नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान प्रियेश और आज मैं आप सभी के लिए कविता एक अहम किस्सा का दूसरा भाग लेकर आया हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा कि दूसरा भाग लाने में मैंने थोड़ी देरी कर दी, पर अब शुरू करता हूं ना बिना किसी देरी के। उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी उसके साथ गुजरे हर पल की यादें रोने लगी, जैसा फिल्मों में देखा था कभी, जैसा फिल्मों में देखा था कभी, मेरी कहानी भी बिल्कुल वैसी ही होने लगी। मैं खुद से अक्सर ये सवाल पूछता था, मैं खुद से अक्सर ये सवाल पूछता था, ना कोई खास वजह और ना ही हमारा कोई कसूर है, हम फिर भी क्यों अलग हो गए? क्या ये इश्क का कोई दस्तूर है? और बदले में हमेशा हमेशा सिर्फ एक ही जवाब मिलता, तुम दोनों सही थे, तुम दोनों सही थे, पर शायद वक्त को नहीं ये मंजूर है, कभी सुना नहीं? वो कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान, ये कहावत तो बहुत मशहूर है। जवाब तो कभी अपने पक्ष में नहीं रहा, पर दिल में एक बात हमेशा से रही और आज भी है कि हम सिर्फ दूर हैं, अलग नहीं, और ये विश्वास है मेरा, कोई वहम नहीं। रास्तों से मेरा रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा, पर उसके घर तक जाती हर गली हर दीवार को अच्छे से जानता हूं मैं। उन गलियों में हमारी बहुत सी यादें महफूज हैं और कभी कभी उन यादों को ताजा करने उन्हीं गलियों से हो आता हूं मैं। वैसे तो मुझे घूमना बहुत पसंद है, पर उन गलियों से गुजरना मेरे लिए इतना आसान नहीं। हर कदम पे एक नई याद है और जिसका जिक्र है उन यादों में, अब वो मेरे साथ नहीं। शुरू में बहुत बेचैनी रहती थी, हर दिन हर वक्त ऐसा लगता था कि शायद आज बस अभी उसकी कोई खबर मिल जाए, किसी तरह कैसे भी वो मुझ तक पहुंच जाए, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। एक आखिरी बार बात करने की बहुत ख्वाहिश थी, पर वो मेरा कभी पूरा हुआ नहीं। वक्त के साथ साथ इंसान धीरे धीरे ढल जाता है और कभी कभी तो ना चाहते हुए भी वो थोड़ा बदल जाता है। मैं अकेले ज्यादा वक्त बिताने लगा, खुद से ही खुद को समझाने लगा। मानता हूं वक्त थोड़ा ज्यादा लग गया, पर धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा। समझ आ गया कि जिंदगी सारे सवालों के जवाब नहीं देती, इसलिए कुछ सवालों को पूछना हमें खुद ही बंद कर देना चाहिए। और जो कुछ भी हम अभी कर सकते हैं, हमारा ध्यान भी सिर्फ और सिर्फ उसी तरफ होना चाहिए। फूलों के बगैर बगीचा भी मैदान लगता है, लोगों के बगैर घर सिर्फ मकान लगता है। मेरे दिल के इलाके में हमेशा बहुत हलचल रहती थी, मेरे दिल के इलाके में हमेशा बहुत हलचल रहती थी, पर उसके चले जाने से अब वो भी सुनसान लगता है। मेरे दोस्त कहते हैं, भूल जाओ उसे। शायद उन्हें ये आसान लगता है, सिर्फ काम में ईमानदारी की बात करते हैं, पर मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यार, प्यार में भी ईमान लगता है। आज वो कैसी है और क्या कर रही है, ये मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता। वो मुझे याद करती भी है या बिल्कुल ही भूल चुकी है, ये भी मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि उसे नई नई चीजें पढ़ने का बहुत शौक था और शायद
इसलिए आज मैं लिखता हूं कि किसी तरह कहीं पे किसी दिन कभी ना कभी उस तक पहुंच पाऊं और उसे भी ये बात बता सकूं कि शुरू से ही वो मेरी जिंदगी का बेहद ही खूबसूरत हिस्सा है। उसके लिए ये कहानी कितनी मायने रखती है ये मुझे नहीं पता, पर मेरी जिंदगी का ये बहुत ही अहम किस्सा है। धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी कहना हो या किसी विषय पर कुछ सुनना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वादा तो नहीं कर सकता पर कोशिश ज़रूर करूँगा कि उस विषय पर मैं अपने विचार आपसे साझा करूँ, और मैं फिर मिलूँगा ना आपसे जल्दी। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।